नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में बैनामा की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस स्टाफ व अधिवक्ताओं की हुई नोकझोंक। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय का किया बहिष्कार। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। ऑफिस को लेकर किस तरह का आपका आप लोगों का वो है प्रदर्शन? आज रजिस्ट्री ऑफिस में जो वकीलों ने विरोध किया उसके पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं या उनका स्टाफ है उनकी भाषा शैली, उनकी कार्य शैली और भ्रष्टाचार, ऑफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त थे उसके खिलाफ जब सीमा खत्म हो गई तब वकीलों को रजिस्ट्री ऑफिस के में विरोध करना पड़ा। हर फाइल में टेक्निकल गलतियां निकाल के एक की जगह पे 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया काश्तकार से लिया जाता है। आप वकील आपके लिए वसूली करे बैंक अपने मुवक्किल से आपको 1,00,000 रुपया दिलवाए, वहाँ वकीलों की भीजा खराब होती है। काश्तकार तो ये समझता है कि वकील ने पैसा लिया और पैसा आपकी पॉकेट में जा रहा है, इसलिए वकीलों को आज उसका विरोध करना पड़ा। भ्रष्टाचार, सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, यहाँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं खत्म हो रही हैं। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो वकीलों को फिर आगे आना पड़ता है। कई बार रजिस्ट्री ऑफिस का विरोध हुआ है, कई अधिकारियों के सामने विरोध हुआ है, उसी कड़ी में आज हम लोगों को करना पड़ा है। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत न तो हमारा हित है न कोई नुकसान है। नुकसान तो किस तरीके का आपको प्रदर्शन है? देखिए, हड़ताल जब कोई कानून के विरोध में कोई कार्य होता है तो वकील या बाधकारी दोनों को परेशानी होती है। जब एक कोई बड़ा खातेदार है उसमें 4 हिस्सेदार हैं तो जब एक ने जो बिक्री किया है उसमें अगर कोई दोबारा मतलब उसमें प्लॉटिंग कर दी और उसके अलावा कोई दूसरे हिस्सेदार ने एक भी प्लॉट नहीं बेचा तो उसमें आपका कानून नहीं बनता है। इसलिए आप इलीगल कार्य कर रहे हैं, इस पर अधिवक्ता नाराज हो गए और इस नाराजगी से हड़ताल जारी है, क्योंकि कानून की वैधता में ही काम करना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हड़ताल जारी है।